हम लोग जब तक साथ मिलकर लड़ेंगे नहीं तब तक के इस सरकार के खिलाफ और इस शिक्षा नीति के खिलाफ हम आवाज नहीं उठा पाएंगे। आज कानपुर में भी प्रोटेस्ट हुआ है, यहाँ पे मोदी जी हमको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे योगी उनको रोकने की कोशिश कर रहा है, दोनों फेल हुए। और जो आंदोलन जो है साथी वो भी कल आके पढ़े, उसी लिए ये संघर्ष है, संघर्ष हम सबके लिए है। और इसीलिए कल एक पर्चे जो फर्जीवाड़ा आया था जेएनयू स्टूडेंट यूनियन ने और जेएनयू स्टूडेंट ने पूरी तरीके से उस सर्कुलर को रिजेक्ट किया है कि ये आधा अधूरा फी हाइक फी का रोल बैक हमको एकदम मंजूर नहीं है। और जेएनयू में संघर्ष एकदम चलेगा, पर ये संघर्ष सिर्फ जेएनयू में नहीं चलने वाला है, ये आईआईटीज ने भी बिगुल बजा दिया है, ये एम्स ने भी बोल दिया है, स्टेट यूनिवर्सिटी ने बोल दिया है। हर एक यूनिवर्सिटी आज सड़कों पे उतरेगा और ये कहेगा कि शिक्षा हमारा अधिकार है, तुम्हारे लिए बाजार में बेचने के लिए कोई कमोडिटी नहीं है और शिक्षा पे खर्चा तुमको करना पड़ेगा। और आज जब हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जब सारे हमारे साथी देश भर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मोदी जी को समझ में आ गया है कि हम लोग को गुमराह करने का जो उनका स्ट्रेटेजी होता है ना, आज भी कुछ लोगों को यहाँ भेज दिया गया था एंटी नेशनल टुकड़े टुकड़े गेम बोलने के लिए, ये सब और चलेगा नहीं है। बहुत दिन चला लिए, बहुत रोटी सेक लिए, अब जनता मुद्दे पे आ गया है और मुद्दा है सस्ती शिक्षा, सबके लिए शिक्षा, सामाजिक न्याय, रोजगार और स्वास्थ्य। इस पे जैसे ही हम लोग आज ले आए हैं, वैसे ही ये संघर्ष जेएनयू में चलेगा, जब तक कंप्लीट रोल बैक नहीं होता, जब तक जग्गू अपना बोरिया बिस्तर नहीं समेट लेता। और जो हमारे एमएचआरडी के मंत्री है रमेश पोखरियाल, ऑल्सो नोन एज निशांक, जिन्होंने ट्वीट किया अभी कुछ दिनों पहले कि उनकी बेटी एमएटी से लॉ का डिग्री पूरा की है। एमएटी का एक सेमेस्टर का फीस कितना होता है आपको पता है? 80,000। साथी हमारे लॉ करके आए हैं आज हमारे सॉलिडरिटी में, तो 80,000 फी होता है। आप अपने बेटी को पढ़ा लिए, पर आप हमारा फंड कट कर रहे हैं, पूरे देश भर के यूनिवर्सिटी का फंड कट कर रहे हैं, इस बात से कि हम नहीं पढ़ पाए, हमारा पैसा नहीं तो हम नहीं पढ़ पाए, ये हम होने नहीं देंगे। और इस संघर्ष को पूरे एक नेशनल लेवल पे राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन शिक्षा के लिए होगा, क्योंकि मोदी जी को हम याद दिलाएंगे कि मोदी है तो मुमकिन नहीं है, शिक्षा है तो मुमकिन है। और इसीलिए आज जैसे हम लोग साथ मिलकर यहाँ पे आए हैं, हम एमएचआरडी भी जाएंगे, हम रायसीना हिल भी जाएंगे, पुलिस के साथ सुन ले, नोट कर ले, आगे का प्लान बता दिया जा रहा है। और चाहे आप डंडा मारे, चाहे लाठी मारे, चाहे टियर गैस का फायर करे, पानी मारे, हम लोग जाएंगे, हम लोग अपने मांगों को मनवा के रहेंगे जेएनयू में भी और पूरे देश में। यही कहते हुए मैं अपना बात खत्म करूंगा, सभी साथियों को आने के लिए और सभी पूरे देश के छात्रों को प्रोटेस्ट करने के लिए क्रांतिकारी उनको सलाम करूंगा, लाल सलाम पेश करूंगा और अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया, इंकलाब जिंदाबाद। जो मैं ये साफ साफ कह देना चाहता हूँ, ये जो लड़ाई है छात्र और सरकार के बीच नहीं है, ये लड़ाई नरेंद्र मोदी और छात्र के बीच है और इस लड़ाई को छात्र जीतेगा, जीतेगा। साथियों, हम ये भी कहना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि शिक्षा जितना महंगा हो ताकि गरीब के बच्चे शिक्षा से उतना वंचित हो। हम आपको कह देना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी सुन लो कान खोल कर, हम पढ़ेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। इन चंद शब्दों के साथ हम आपको क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करता हूँ। हमारी लड़ाई जिंदाबाद, हमारी लड़ाई जिंदाबाद, 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 संघर्ष जिंदाबाद, 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 दुनिया के छात्रों एक हो, एक हो, एक हो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।